हेलो इंडिया माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू टोबी वाला। हम आ चुके हैं सी फॉर इडियम्स में, यानी इडियम्स के सी वाले पार्ट में। जो ये सारे इडियम्स आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, जैसा कि आपको पता है आए हुए इडियम्स कई बार आते हैं, तो ये सारे इडियम्स आ चुके हैं और आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो हम बिना देर किए हम चलते हैं अपने इडियम्स, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट इडियम है कैरिड ऑफ वंस फीट। कैरिड मींस क्या, अब देखो मीनिंग क्या है, रोमांचित हो जाना, है ना। हमारा इडियम है कैरिड ऑफ वंस फीट और मीनिंग आ रहा है रोमांचित हो जाना। कैसे होगा, अब देखो मैं यहां पर बताऊंगा कि कैरिड ऑफ वंस फीट रोमांचित हो जाना कैसे आया। देखो मान लो कि आपके रिजल्ट आ गया, आप रिजल्ट को लेके बोलते हो कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा ना मैं अपने पैर पर खड़ा हो जाऊंगा। आप ऐसा बोलते हैं, जिस दिन मेरी नौकरी होगी, जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा, जिस दिन मुझे जॉब हो जाएगी, अब मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाऊंगा। ऐसा बोलते हैं, पैर पे खड़ा हो जाऊंगा। और मान लो कि आज आपके रिजल्ट निकल गई, अभी आपके रिजल्ट निकल गई, आपकी जॉब हो चुकी है, अपने पैर पे खड़े हो आप, मान लेते हैं। अब आप बताओ कि जब आपकी रिजल्ट हो जाती है, अपने पैर पे खड़े हो जाते हो, आप कितना खुश हो जाते हो, कितना रोमांचित हो जाते हो। आप बहुत ज्यादा रोमांचित हो जाते हो। आप थोड़ा सा विजुअलाइज करो, यस, आप थोड़ा सा विजुअलाइज करो कि आप समझ लो कि आपका रिजल्ट आ गया। हाँ, आपका रिजल्ट आ गया, आप अपने पैर पे खड़े हो, अब तो कितना खुश हो जाओगे, कितना रोमांचित हो जाओगे आप, यस। तो वही अगर जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा मैं अपने पैर पर खड़ा हो जाऊंगा, और जब मेरे पैर पर खड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा, बहुत ज्यादा रोमांचित हो जाऊंगा। आप देखो मीनिंग आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरी, कैरी से ढोना, तो कैरी का जो पास्ट फॉर्म है कैरिड ऑफ वंस, वंस मतलब होता है कोई, है ना। अब वंस की जगह माई, आवर, योर, ऐसा हिज, हर कुछ भी ले सकते हैं। तो कैरिड ऑफ माई फीट मतलब मैं अपने, मैं यह होता है मैं, माई फीट है, मैं अपने पैर पे खड़ा हो गया। मैंने क्या हो गया, मैं अपने पैर पे खड़ा हो गया, पैर पे खड़ा हो गया मतलब मुझे रोजगार मिल गई, मेरा रिजल्ट आ गया, मेरी जॉब हो गई। बोलते हैं ना उसको, अपने भाषा बोलते हैं कि जिस दिन मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाऊंगा ना उस दिन मैं बताऊंगा, मैं बहुत मस्ती करूंगा। ऐसा बोलते हैं, मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाऊंगा, यानी कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आ जाएगा, जब मेरी जॉब हो जाएगी, मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाऊंगा। तो जब मेरे पैर पे खड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। यहां से सेंस आ रहा है कि कैरिड ऑफ वंस फीट, वंस फीट मतलब मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाऊंगा, और जब पैर पे खड़ा हो जाऊंगा मतलब जॉब निकल जाएगा, जॉब निकल जाएगा मतलब मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। हमारा नेक्स्ट इडियम है क्लाउड नाइन, क्लाउड नाइन और मीनिंग है अति आनंदित होना। अब देखो क्लाउड नाइन मीन्स अति आनंदित हो जाना कैसे होगा। हम अक्सर बोलते हैं कि जब हम बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, तो बोलते हैं कि आज तो मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, आज मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो, बहुत ज़्यादा खुश होते हो, बहुत ज़्यादा खुश जाते हो, तो हम कहते हैं हम हवा में उड़ने लग जाते हैं। हवा में मतलब हम आकाश में उड़ने लग जाते हैं, हायरों के बादलों के बीच चले जाते हैं, वहां से आया, बादलों के बीच आया क्लाउड नाइन। जब आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो तो आकाश में, हवा में उड़ने लग जाते हो, बादलों के बीच चले जाते हो, और जब बादलों के, ख्यालों के बादलों के बीच चले जाते हैं आप, तो कैसा महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा खुश महसूस करते हैं। वही बोला है क्लाउड नाइन बीच। अब आप मुझे बताइए बादलों के बीच आप कब जाते हैं, जब आप बहुत ज्यादा आनंदित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहां से भी नहीं आया। अब देखो ये इडियम्स कभी कभी कॉमन एरर में आते हैं, वहां पे क्लाउड नाइन की जगह क्लाउड क्लाउड्स नाइन कर देगा वहां पे, है ना। यहाँ पे है कैरिड ऑफ वंस फीट तो कैरिड ऑफ वंस फुट कर देगा। तो आपको थोड़ा सा फोकस रहना है कि पहले इडियम्स फ्रेज कॉमन एरर में नहीं आया करते थे, अब इडियम्स फ्रेज जो है वो कॉमन एरर का पार्ट बन रहा है। और उसमें तो जो अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ोगे कि हाँ भाई क्लाउड नाइन है, क्लाउड्स नाइन नहीं है, तो आप उसको भी कर ले जाओ, यानी कॉमन एरर में भी, इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी, और पैसेज कॉम्प्रिहेंशन में भी आपको बहुत ज़्यादा इसमें काम आएगा, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। चलते हैं, हमारा नेक्स्ट इडियम है कॉल इन क्वेश्चन। क्या है, कॉल इन क्वेश्चन और मीनिंग है संदेह करना। कैसे आया मीनिंग संदेह करना। अब देखो मान लो यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो पुलिस आई, पुलिस आती है और सबसे क्वेश्चन करती है, क्वेश्चन करती है। अब पुलिस आती है, जब क्वेश्चन करती है, क्यों करती है क्वेश्चन, क्या होता है उसको, यस, आ गया आंसर। इसलिए आपको इसके रटना नहीं है, आप उसकी मीनिंग को ऐसे तोड़ो मरोड़ो ताकि इसकी आप मीनिंग पे जा सको।
इसके वर्ड को ऐसे तोड़ो मरोड़ो ताकि अब इसकी मीनिंग पे जा सको। तो बोला है कॉल इन क्वेश्चन, मतलब कॉल बुलाया, एंड इन क्वेश्चन और उसमें क्वेश्चन किया, बोले बुलाया और फिर क्वेश्चन किया, मतलब क्या है? अगर कोई आदमी किसी को बुलाता है और क्वेश्चन करता है, किसी चीज में पूछता है, तो कहीं ना कहीं उसको डाउट होता है, संदेह होता है कि ये एड्रेस कहाँ है, ये पता क्या है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, संदेह है उसके अंदर ना, डाउट है उसके अंदर, वो ये कॉल इन क्वेश्चन। अब इसको पुलिस से लेना याद रहेगा कि पुलिस अगर बुलाती है क्वेश्चन और क्वेश्चन करती है, मतलब क्या होता है उसे, संदेह होता है। यहां से आंसर भी आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट इडियम है कैरोट एंड स्टिक, कैरोट एंड स्टिक, और मीनिंग आ रहा है अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन, अरे अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन और बुरे काम के लिए दंड। तो कैरोट मीन्स क्या होता है, गाजर, चूंकि गाजर तो नहीं, लेकिन इडियम है, इडियम में हम वर्ड के मीनिंग पे नहीं, उसके हम सेंस पे जाएंगे। कैरोट मीन्स होता है गाजर, गाजर होता है मीठा, गाजर कैसा होता है मीठा, और कैरोट और स्टिक मतलब होता है छड़ी, और छड़ी से हम लेंगे, छड़ी से छड़ी नहीं लेंगे, छड़ी हम कब करते हैं, छड़ी कब मिलते हैं, जब हम कुछ गलत करते हैं, जब हम कुछ बदमाशी करते हैं, हमें दंड के रूप में छड़ी मिलता है। तो कैरोट एंड स्टिक, तो कैरेट से लेंगे मीठा, और मीठा कब मिलता है, जब कुछ अच्छा करते हैं प्रोत्साहन के रूप में, और छड़ी कब मिलती है, जब कुछ बुरा करते हैं तो दंड के रूप में छड़ी मिलती है। मैं बोलूंगा कैरोट एंड स्टिक, तो बोले कैरोट मीन्स गाजर, मीठा, मीठा का मतलब तो अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन मिलता है, गाजर के रूप में, मीठा के रूप में, मीठा मीठा खिलाते हैं, क्या कर रहे हैं वो, प्रोत्साहन दे रहे हैं, वाओ वेरी गुड है सर के। तो अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन और बुरे काम के लिए क्या मिलता है, छड़ी यानी दंड। तो यहां से लेंगे कैरोट अच्छे काम के लिए मिलता है, तो अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन और बुरे काम के लिए स्टिक क्या होता है, दंड, यहां से लेंगे। तो जब मैं बोलूंगा कैरोट, तो वो सोचना होगा कैरोट कब मिलेगा, किस काम के लिए कैरोट कब मिलेगा, किस काम के लिए, तो उसमें आ जाएगा आंसर अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन के रूप, अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन के रूप में, और बुरे काम के लिए स्टिक मतलब बुरे काम के लिए दंड के रूप में। हमारा नेक्स्ट इडियम है कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन, और मीनिंग आ रहा है भैंस के आगे बीन बजाना, जाना। अब देखो मीनिंग कैसे आया, कास्ट मीन्स होता है फेंकना, कास्ट मीन्स क्या होता है, फेंकना, पियर्स मीन्स होता है मोती, पियर्स मीन्स क्या होता है, मोती, और बिफोर मीन्स होता है पहले भी होता है बिफोर मीन्स, और बिफोर मीन्स के सामने, सामने भी होता है ना, और स्वाइन मीन्स होता है सुअर, स्वाइन मीन्स होता है सुअर। अब आप मुझे बताओ कि इसका जो मीनिंग निकलेगा इसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो ये बोल रहा है कि पियर्स है ना, कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन, मतलब सुअर के सामने मोती फेंकना, सुअर के सामने मोती फेंकना। अब आप मुझे बताओ सुअर कहाँ रहता है, सुअर गंदगी में रहता है, कचड़े में रहता है ना, नाले में रहता है, और अगर सुअर के सामने हम कितना भी मोती फेंक देंगे, बोले ले मोती पर बैठ जा, गंदगी में मत जा, मोती पर बैठ, वो बैठेगा नहीं, बैठेगा क्योंकि कहाँ रहता है वो गंदगी में रहता है, वो गंदगी का आदि आदि है। तो हम कितना भी उसके सामने हम मोती फेंक देंगे, मोती बिछा देंगे, सुअर मोती पे नहीं बैठेगा, मतलब उसके सामने मोती कोई फर्क नहीं पड़ता है, हा? तो वही बोला कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन, सुअर के सामने मोती फेंकना कैसा है, भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है, क्योंकि जैसे भैंस के आगे बीन बजाना वैसे सुअर के सामने मोती फेंकने के बराबर है। फ्रेंड्स हम इसे एक बार फिर से एक बार इसे रिवाइज करते हैं ना, एक बार इसकी रिविजन हो जाए। चलो फर्स्ट इडियम हमारा है कैरिड ऑफ वन्स फीट, हम जब अपने पैर पे खड़ा हो जाएंगे, कैरिड ऑफ वन्स फीट, जब अब मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाऊंगा तो कैसे हो जाऊंगा, मैं बहुत आनंदित हो जाऊंगा। क्लाउड नाइन यानी बादलों के बीच हम कब चले जाते हैं, ख्यालों के बीच, बादलों के बीच कब चले जाते हैं, जब हम बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, बहुत ज्यादा आनंदित रहते हैं, मीनिंग आ गया। अब हमारा नेक्स्ट इडियम है कॉल इन क्वेश्चन, पुलिस आती है, बुलाती है, क्वेश्चन करती है, मतलब वो क्या करती है, वो क्या करती है, वो किसी पे संदेह करती है। कैरोट एंड स्टिक, कैरोट एंड स्टिक, अब मुझे कैरोट कब मिलेगा, किस रूप में, यस प्रोत्साहन के रूप में, कैरोट एंड स्टिक, कैरोट मिलेगा, सॉरी कैरोट कब मिलेगा, प्रोत्साहन के रूप में, और स्टिक कब मिलेगी, दंड के रूप में, ठीक आ गया। कैरोट एंड स्टिक अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन, बुरे काम के लिए दंड। अब देखो अब क्या है, कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन, सुअर, सुअर के सामने मोती फेंकना, अब कैसा है, सुअर के सामने मोती फेंके कोई फर्क पड़ेगा उसको, सुअर के सामने मोती फेंकना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना, यहां से सेंस आ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे मेरे वीडियो को लाइक करो, मुझे सपोर्ट करो, मुझे कमेंट करो, और मुझे बताओ आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए जय हिंद।